ड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिसन इज पाई बाई टू बट बोज मॉड्यूल फिगर आउट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय ओरिजन जेड वन जेड टू एंड जेड वन प्लस जेड टू ओके देख लेते हैं पहले मैं एक रैंडम मतलब एक शेप बना दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेक्टेंगल है अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज से ये ओ हो गया ये ए ये बी और ये सी ये ओरिजिन है ए को जेड वन बोल दे रहे हैं बी को जेड टू और सी है आपका जेड वन प्लस जेड टू देखिए जरा अगर हम बात करें तो ये जो ओ सी है ये आपका एक डायगनल बन रहा है और ए बी है ये दूसरा डायगनल अच्छा ए बी को हम बोल सकते हैं क्या जेड वन माइनस जेड टू पहलोग्राम लॉफ एडिशन में देखते हैं ना ये जेड वन है ये जेड टू है तो ये वाला वेक्टर जो हमारा जेड वन प्लस जेड टू और दूसरा डायग्नल जेड वन माइनस जेड टू आता ओके अभी हमको ये बोला गया कि इन दोनों का आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू है यानी इन दोनों लाइंस के बीच z1 वन प्लस जेड टू और z1 वन माइनस जेड टू यानी इन दोनों डाइग्नल के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री और ये तो किसमें होता है रॉम्बस में होता है क्या रोमबस में आप बोल सकते हैं स्क्वायर में भी बोल सकते हैं 90 डिग्री और क्या दिया गया इफ दीज टू क्वांटिटीज आर अनईक्वल दैट मीन्स इन दोनों डायगनल का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है अगर स्क्वायर होगा तो डायगनल का लेंथ भी इक्वल होगा बट डायगनल का लेंथ इक्वल नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली रोम्बस होगा जो कि स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर होता तो डाइगनल का लेंथ भी इक्वल होता सो so आंसर होगा अपना रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर आंसर